वेलकम टू माय चैनल फैट टू फिट बी नेचुरल। आज हम करने जा रहे हैं चेस्ट का वर्कआउट। सभी भाइयों को मेरा राम राम। तो आज थोड़ा सा स्पेशल होगा क्योंकि आज हम जो चेस्ट लगाने जा रहे हैं, मन्नू भाई के साथ चेस्ट लगाने जा रहे हैं, तो हमारे वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वार्म अप के साथ। आखिरी सेट ही हमारा मशीन का, जितना भी रैप लग जाए। पांच एक्सरसाइज खत्म हो चुके हैं, चलते हैं अपने छठवें एक्सरसाइज की तरफ। जो हमारे सेट लेने वाले हैं, और हमारे साथ विशाल भाई भी हैं जिनके शोल्डर में थोड़ी सी इंजरी आ गई है, इस कारण वो थोड़ा वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। आइए जानते हैं हम कब तक इनका ये रिकवर हो पाएगा। दो तीन दिन चार दिन का ब्रेक मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा। मेरे यहाँ के ये चढ़ गया है, थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा। और कभी भी मैं आपको एक बात बता दूँ, जिम में कभी भी आपको अगर ऐसी कोई तकलीफ हो तो आप उसे इग्नोर ना करें, कंप्लीट उसे रहते ताकि वो इंजरी और ज़्यादा ना बने। और मैं जितने भी बिगनर्स लोग होते हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ईगो लिफ्टिंग ना करें, क्योंकि ईगो लिफ्टिंग से ये सब इंजरीज होते हैं। वैसे मैंने ईगो लिफ्टिंग सुनी की थी, इंजरी था हो गया, ये होता रहता है बॉडी बिल्डिंग में।
हो चुके हैं और अपने मिडिल चेस्ट के लिए हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये 9th एक्सरसाइज है, तो इसके भी हम 3 सेट लेने वाले हैं इंक्लाइन बेंच पे। अच्छा सा डाइट लेके फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय।